अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का पार्ट 7 है। इसमें हम सीएसएस की पैडिंग प्रॉपर्टी देखेंगे और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारे पास सीएसएस की पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यूज करते हैं जब हमने अपने डिव टैग के अंदर जो भी कॉन्टेंट है उसमें बॉर्डर और टैग्स के दरमियान में हमने स्पेस डालनी होती है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये देखें डिव टैग है और इसके अंदर मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके भी देखें ये बॉर्डर सेट है। अब बॉर्डर से और ये हेडिंग जो लिखे है इसके दरमियान ये फासला जो आ रहा है, जो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर नीचे से भी आ रहा है और इधर राइट से भी आ रहा है, तो ये क्या होती है, ये हम पैडिंग को यूज करके इस तरह की स्पेस जो है वो हम डाल सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली पैडिंग। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पैडिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर हम इसका जो है प्रैक्टिकल करेंगे वीएस कोड में। तो हमारे पास जो सीएसएस में पैडिंग की प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली होती है पैडिंग की पैडिंग टॉप, आपने टॉप से कितनी पैडिंग देनी है। उसके बाद हमारे पास होती है पैडिंग राइट, आपने राइट से कितनी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास होती है बॉटम, आपने नीचे से कितनी देनी है। और लास्ट में हमारे पास होती है लेफ्ट, आपने लेफ्ट से कितनी देनी है पैडिंग। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम जो है वो पैडिंग दे सकते हैं चारों साइडों से, जहाँ से भी हम चाहें। तो फ्रेंड, हमारे पास जो है इस पैडिंग का सीएसएस में एक शॉर्ट हैंड भी होता है, चलिए वो देखते हैं। आप देखें यहाँ पे अगर मैं पैडिंग लगाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा पैडिंग टॉप से हमारे पास 10 पिक्सल हो, ऐसे मैंने कह दिया पैडिंग हमारे पास राइट से भी 10 पिक्सल हो, ऐसे मैंने कह दिया पैडिंग बॉटम से भी 10 पिक्सल हो और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल हो। अगर यहाँ पे आप एक चीज नोट करें तो मैंने जो भी बताई है चारों साइडों से जो बताई है ना वो 10 पिक्सल ही बताई है। तो इसका शॉर्ट हैंड पैडिंग में कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम अकेला सिर्फ इतना ही लिखेंगे पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल। अब मैंने पैडिंग के बाद 10 पिक्सल दिया, इसका मतलब चारों साइडों से जो है ना 10 पिक्सल की वो पैडिंग दे देगा हर अतराफ से। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, जैसे मैंने कहा पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, पैडिंग राइट से 20 पिक्सल। अब देखें ये मैं अलग अलग दे रहा हूँ, टॉप से कुछ दे रहा हूँ, राइट से मैं कुछ दे रहा हूँ, बॉटम से कुछ, तो इधर लेफ्ट से कुछ, तो इसको हम कैसे देंगे। तो उसके लिए हमारे पास जैसे मैंने कहा पैडिंग बॉटम से 10 पिक्सल हो, पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल। अब ये अलग अलग पैडिंग है, दो दो साइडों की अलग, दो साइडों की अलग। तो इस तरह का शॉर्ट हैंड कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है, उसके लिए आपने लिखना है पैडिंग, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपने ये काम कैसे करती है, ये क्लॉकवाइज काम करती है पैडिंग। अब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज ही देंगे, सबसे पहले आप देंगे टॉप की, आप जितनी टॉप से देना चाहते हैं, उसके बाद आप राइट से, फिर आप बॉटम से, फिर आप लेफ्ट से, तो ये ऐसे ही काम करेगी। अगर आप सीक्वेंस कोई गलत कर देंगे तो फिर जो है वो सही वर्क नहीं करेगी। जैसे कि मैंने कहा पैडिंग 10 पिक्सल जो है ना ये टॉप से, आप पहले नंबर पे जो है ये टॉप होगा, दूसरे नंबर पे जो आप देंगे ये होगा राइट, तीसरे नंबर पे आप जो देंगे वो होगा बॉटम, और लास्ट पे आप जो देंगे वो होगी लेफ्ट की जो है वो पैडिंग, लेफ्ट से पैडिंग सेट होगी। तो ये मैंने 10 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल राइट से, 10 पिक्सल बॉटम से, 20 पिक्सल मैंने दे दिया लेफ्ट से। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, अब देखें ये जो ना आप लास्ट पे ये वाली दो प्रॉपर्टीज नहीं देते, ये पहली दो ही देते हैं, तो इसका भी एक शॉर्ट हैंड बन जाता है। ये कैसे काम करती है, अगर आप जैसे कि 10 पिक्सल और 20 पिक्सल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपने स्टार्ट पहले दिए ना 10 पिक्सल, उसके बाद भी दिए आपने 20 पिक्सल, ये जो 10 पिक्सल है ये उसे सेट कर देगा टॉप और बॉटम में, और ये जो आपने 20 पिक्सल दिए ये कर देगा राइट और लेफ्ट में। चलिए अब आपको वीएस कोड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है फॉर पैडिंग डॉट एचटीएमएल के नाम से, और इसको मैंने जो है वो सेव किया हमारे लर्न सीएसएस के फोल्डर में यहाँ पे, और इसी फाइल को मैंने जो है वो ये लास्ट वाली इसी को मैंने फाइल को ओपन किया हुआ है इधर ब्राउजर में। अभी देखिए इसमें मैंने एक जो है वो H1 दिया है और दूसरा मैंने टाइटल टैग में सीएसएस पैडिंग लिखा है, बस अभी मैंने दो ही दिया है। चलिए अब नेक्स्ट इसको यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे फ्रेंड आप H1 टैग पे भी पैडिंग लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है वो मैं आपको डिव टैग पे लगा के देता हूँ, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में जो है ना ये सिलेक्टर बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब हम जो है वो एक न्यू चीज देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैं एक डिव टैग ले रहा हूँ, डिव टैग लिया, डिव ओपनिंग क्लोज। अब इस डिव को ना मैं एक क्लास देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको क्लास दिया, क्लास इज इक्वल टू कोई भी क्लास दे दी, जैसे कि मैंने कह दिया माई पैडिंग, चले ये कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इस क्लास इज इक्वल टू मैंने कह दिया माई पैडिंग, लेकिन जो ये नाम देंगे फिर इसी नेम से आपने ऊपर कॉल करनी है जब इस पे सीएसएस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, कैसे रैंडम जनरेट करने के लिए मैंने आपको बताया आपने लिखना है लॉरम, ये वीएस कोड में लिखने का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, और कितने वर्ड का आपको चाहिए, मैं कह रहा हूँ 50 वर्ड का मुझे रैंडम सा पैरा जनरेट करके दे दो।
कीबोर्ड से मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये देखो उसने जनरेट करके दे दिया। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी आपको मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ भी एक आ चुका है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, ये मैंने कम दे दिया। जैसे कि मैं इधर से 100 वर्ड का कर लेता हूँ, मैंने 100 का किया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब 100 वर्ड का पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है। चलिए अब हम CSS अप्लाई करते हैं इस पर। तो देखें इस डिव को मैंने क्लास दी है, अब इसको कॉल कैसे करूंगा? तो मैं अभी के लिए इन पेज स्टाइलिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? हेड टैग के अंदर, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा। मैंने स्टाइल टैग लगाया तो अब यहाँ पे इसको मैंने आपको हमने आप पिछली वीडियो में हमने मैंने आपको बताया था कि इसको कॉल कैसे करते हैं। अब ये हमने क्लास जो है वो क्लास ली है, तो मैं लिखूंगा डॉट, इसको नेम क्या दिया मैंने, माई पैडिंग, माई पैडिंग। ये इसके बाद मैं कर ली ओपन, कर ली क्लोज लगाऊंगा। अब ये सिलेक्टर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी लिखूंगा। अब देखिए हम जो है वो शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। आप पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट राइट अकेला भी कर सकते हैं, ये सभी काम करती है। जैसे कि देखें पैडिंग हाइफन टॉप, आप ऐसे वन बाय वन भी दे सकते हैं जितनी जितनी आपको चाहिए। जैसे कि 10 पिक्सल टॉप लेफ्ट राइट, लेकिन आप शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसके लिए मैं शॉर्ट हैंड ही लिख रहा हूँ। मैंने लिखा पहले मैं आपको एक बॉर्डर लगाते हैं, हम इधर बॉर्डर लगाया मैंने, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड ये 3 पिक्सल मैंने कह दिया सॉलिड बॉर्डर का स्टाइल हो और ये हो रेड। एंड पे मैंने सेमी कोलन लगा दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो ये जो इस डिव पे क्लास लगी है ना, यहाँ पे हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें बॉर्डर आ चुका है। अब ये देखें ये साइड पे चिपका हुआ है हमारा जो टेक्स्ट है ना। तो चलिए अब इसमें पैडिंग डालते हैं। तो पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड पैडिंग लिखा मैंने, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन। अब मैं कह रहा हूँ कि चारों तरफ से जो है ना 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाए चारों तरफ से। अभी मैंने एक ही दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास चारों तरफ से उसने ना 20 20 पिक्सल की जो है वो पैडिंग सेट कर दी है। आप अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ अब मैंने एक ही दी थी, उसने चारों साइडों से सेट कर दी। अब मैं जो है ना इधर 2 देता हूँ। 2 कैसे देता हूँ? मैंने कह दिया ताकि हमें डिफरेंस नजर आए 50 px कह दिया। अब ये कैसे काम करेगी? अब ये 20 पिक्सल है ना, जो ये कर देगा हमारा जो डिव है ना टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल की जो है ना पैडिंग सेट कर देगा। जबकि ये जो 50 पिक्सल है ये राइट और लेफ्ट में 50 पिक्सल कर देगा। चलिए मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको अभी देखें मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे अब देखें ये ऊपर से हमारे पास स्पेस कम आ रही है, जबकि क्योंकि ये 20 पिक्सल और नीचे से भी कम आ रही है, और इधर लेफ्ट और राइट में देखें तो हमारे पास उसने 50 पिक्सल सेट कर दिया। अभी आप चारों तरफ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इधर से 30 हो जाए, टॉप से 20, राइट से 30, इसके बाद मैं जो दूंगा वो होगी हमारी बॉटम। जैसे कि मैंने कहा 50 पिक्सल बॉटम हो जाए, 50 पिक्सल बॉटम हो जाए, और ऐसे ही हमारी लेफ्ट से जो है ना 20 पिक्सल हो जाए। अब ये मैंने चारों तरफ से जो ना अलग अलग दी है। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको। ये देखें अलग अलग होगी हर तरफ से पैडिंग। ये देखें यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ से कम है, जितनी जितनी हमने उधर दी है 50, यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी ज्यादा है। अब देख लेते हैं हमने दी है टॉप से 20, राइट से 30, 50 हमने बॉटम से दी है। तो ये देखें सबसे ज्यादा हमारे पास ये बॉटम पे आ रही है। तो ऐसे आप जो है ना अलग अलग स्पेस भी जो है वो दे सकते हैं पैडिंग को यूज करके। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, फिर न्यू लाइन में पैडिंग बॉटम, ऐसे और ऐसे भी आप शॉर्ट हैंड में भी जो है वो इसको दे सकते हैं। H1 में आपके पास कोई भी है, किसी पे भी जो है वो आप पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।